आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। दादा साहब ने 19 साल के करियर में कुल 95 फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई थी। आज ही के दिन मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया। कोलकाता में आज ही के दिन पहली बार जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आज ही के दिन पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने की क्षमता वाली मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1914 में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच उड़ान भरी गई थी।